So hi everyone and welcome back once again to the channel. So as you all know RBI grade B का notification आने वाला है और जैसे ही notification की खबर market में उड़ती है बहुत सारे सवालों का बाजार जो है वो गर्म होने लगता है और ऐसे ही बहुत सारे questions आपको इन videos के through आपको उनका answer जानने को मिलेगा, right? एक video मैंने आपको आप लोगों के साथ कुछ time पहले share करी थी जिसमें एक बहुत ही important question का answer मैंने किया था that how to cover गवर्नमेंट स्कीम्स. और उसी तरीके से एक सवाल और मैंने आज उठाया है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में है दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या लेवल होता है, वो डिफिकल्ट होता है या नहीं होता है, बाकी और एग्जाम्स की कंपेयर के साथ उसको कंपेयर करके देखेंगे. बिकॉज कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि ओके इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम देन आई वुड बी इजिली able to tackle the RBI grade B exams also, जो quant and reasoning है specifically. But ऐसा होता नहीं है. So वो हम देखेंगे, discuss करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो कि RBI grade B examination को different बनाती है from the other examination, if I talk specifically about quant and reasoning. All right. So let's begin with the session and first of all, सीधी बात and no बकवास, बिना किसी बकवास किए हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. I just want to tell you guys that whether the level of quant and reasoning is tough or not. So without any bakwas, yes, it is tough. ठीक है, a big yes, बहुत tough होता है भाई exam का level और especially तब. देखो अगर 30 questions जो RBI में पूछे जाते हैं quant के और 40 questions जो reasoning में पूछे जाते हैं, तो if I talk about the 30 questions of quant, अगर आप वो मुझे normal circumstances में मतलब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन के अलावा अगर आप मुझे सॉल्व करने के लिए दोगे तो हो सकता है मैं एक घंटे के अंदर आधे दो घंटे के अंदर उसको सॉल्व कर दूंगा. बट जब माँ बाप की उम्मीदें दांव पे लगी है, गर्लफ्रेंड से किया हुआ वादा दांव पे लगा है, पूरी दुनिया पूरा संसार आपको एक उम्मीद से देख रहा है, आप खुद अपने आप से उम्मीद लगा के बैठे हो और उसके लिए आपको जब 25 मिनट मिलते हैं 25 मिनट्स यू आर गेटिंग फॉर सॉल्विंग दैट 30 क्वेश्चंस, तो अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन आसान भी होता है ना तो वो टफ हो जाता है. और यहां तो क्वेश्चन आसान भी नहीं है, यहां तो क्वेश्चन भी टफ है. सो द पॉइंट इज द लेवल इज टफ विदाउट एनी डाउट. कोई डाउट नहीं है मुझे इस बात में कि क्वांट और रीजनिंग का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ है आरबीआई एग्जामिनेशन में. बट द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट टफ, क्यों है ऐसा कि वो टफ की कैटेगरी में आ रहा है. तो उसके लिए दो तीन रीजन है, मैं आपको बता देता हूं. पहला रीजन है देयर इज हार्डली एनी यूज ऑफ ट्रिक्स इन आरबीआई ग्रेड बी क्वांट एंड रीजनिंग क्वेश्चन. रीजनिंग में ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ट्रिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्वांट में किसी ट्रिक का कोई इस्तेमाल नहीं होता. अब देखो जब भी हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और उसमें जब क्वांट की बारी आती है तो सबसे पहले जो हमारा फोकस जाता है ट्रिक्स के ऊपर जाता है रादर देन कॉन्सेप्ट के ऊपर, राइट. अब लेकिन यहां पर इस एग्जामिनेशन में यह स्ट्रैटेजी काम नहीं होती. बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे यहां पर, ठीक है, या आप बाद में पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप इसमें डायरेक्टली लगा के विदाउट यूजिंग योर पेन आंसर ले आओगे? नो, नॉट पॉसिबल, राइट. एसएससी सीजीएल में ऐसा होता है कि आपको पेन का यूज भी नहीं करना पड़ता और आप उस क्वेश्चन को देखते हो, अपने दिमाग में उस ट्रिक को लगाते हो और आंसर आ जाता है. बट हेयर इन द केस ऑफ आरबीआई इट इज नॉट पॉसिबल. यस, यू कैन मेक द यूज ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स, लाइक आप शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, तो यू नो जो आपका कैलकुलेशन है उसको स्पीड करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए. बट अगर आप ये चाहोगे कि एक ट्रिक से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल इन आरबीआई एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड टफ. नंबर वन रीजन. नंबर टू इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर देयर. अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे इसके ऑप्शंस देखो, मोर देन 200 लीटर्स बट लेस देन 600 लीटर्स, मोर देन 240 लीटर्स बट लेस देन 600 लीटर्स. क्वेश्चन इज फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन, राइट. क्वेश्चन हो सकता है भले ही ये आप सॉल्व कर लो आसानी से, बट अगेन इसका ये ऑप्शन देख के ही आपको थोड़ा सा डर लग जाएगा कि यार ये कैसे ऑप्शन है. ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आसान हो, राइट, बट इसके ऑप्शन क्योंकि इतने थोड़े से अलग हैं, थोड़े से अजीब हैं, तो हो सकता है कि आपको लगने लग जाए इसको देखकर, जो कि होता ही है. जैसे कि मैंने आपको बताया 25 मिनट एग्जाम प्रेशर, 30 क्वेश्चन, माँ बाप की उम्मीदें, सब कुछ है वहां पर. ऑलराइट, रीजन नंबर थ्री इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. This question is the age related problem, right? It is an age related problem. तो age related problem में आप generally क्या expect करते हो कि एक दो situation दे रखी होंगी और उसको हम solve कर देंगे और answer आ जाएगा. But here it is not the case. यहाँ पे तीन statement दे रखी है, right? और question है what is Amit's present age?
Now you have to identify out of these five options which is correct. Basically it is a data sufficiency question जिसमें उन्होंने age related problem को घुसा दिया. Are you getting my point? So इस question को करना इतना आसान नहीं होगा और आप इसमें कोई trick नहीं लगा पाओगे. आपको solve करके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से sufficient है कौन कौन से sufficient नहीं है. So it takes time. Alright. This is reason number 3. What is the reason number 4? The lengthy questions. बहुत लंबे लंबे 10-10 किलोमीटर के questions. भाई साहब reasoning में तो puzzles जो आती हैं, एक एक पन्ने की पूरे पूरे पेजेस की puzzles. उसको पढ़ते पढ़ते आगे का पढ़ता आदमी पीछे का भूल जाता. इस तरीके के questions. क्वांट में भी इतना लंबा क्वेश्चन अगर आएगा आपके सामने तो ऑफकोर्स आपका दिमाग खराब होगा. राइट. सो लेंथी क्वेश्चन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हम इसको इस क्वांट और रीजनिंग दोनों को ही टफ कंसिडर करते हैं. ठीक है जी. नाउ ये तो चार रीजंस हो गए मेन कि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो टफ क्यों है. चार रीजन क्या क्या है मैं फिर से बताऊंगा. हार्डली एनी यूज ऑफ ट्रिक. कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं हो पाता. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं पता ही नहीं चलता करना क्या है. तीसरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस में एज रिलेटेड प्रॉब्लम में मिक्सचर एंड एलिगेशंस में वो डेटा सफिशिएंसी घुसा देते हैं. राइट. लेंथी क्वेश्चंस इतने इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे. भाई साहब नेशनल हाईवे है ये क्वेश्चन नहीं है. ऑलराइट. अब इसकी अगर हम कंपैरिजन करें सबसे पहले इफ वी कंपेयर इट विद यूपीएससी सीसैट एग्जामिनेशन तो मैंने दोनों के क्वेश्चंस रखे आपके सामने उससे आप कंपेयर कर पाओगे. देखो ये यूपीएससी सीसैट का क्वेश्चन है या आरबीआई ग्रेड बी का है. ठीक है. सीसैट में भी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है जो कि क्वांट से रिलेटेड है और इसमें भी है. ये वही सेम क्वेश्चन है अमित वाला अमित की प्रेजेंटेज वाला. नाउ यू कैन सी यहां पे स्टेटमेंट देखो आप कितनी लंबी लंबी है. इसको आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा. यहां पे दो छोटी छोटी स्टेटमेंट है जिससे आप जल्दी से सॉल्व करके पता लगा सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है टू आंसर द क्वेश्चन. ऑलराइट. बट यहां पे देखो तीन स्टेटमेंट. अब तीन को सॉल्व करने में ऑफ कोर्स इट विल रिक्वायर मोर टाइम. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई. और सीसैट के वैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो सीसैट भी कोई बहुत ईजी नहीं है. बट आरबीआई ग्रेड भी इज इवन मोर डिफिकल्ट देन सीसैट. ठीक है. उसके अलावा लेट्स कंपेयर इट विद कैट. अब बहुत से लोगों का मेरे पास यह आता है कि भाई कैट लेवल की हम प्रिपरेशन कर लें तो क्या आरबीआई ग्रेड बी का हो जाएगा. हो तो जाएगा बट उसमें भी आपको और ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कैट में भी देखो अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो चलो ठीक है उसमें भी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं बट सारे ही क्वेश्चंस वैसे नहीं होते. बट आरबीआई में क्या है कि सारे ही क्वेश्चन उल्टे सीधे होते हैं. कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो कि हाँ ऐसा लगे कि चलो ठीक है इसको तो मैं फटाफट से बिना पेन के भी इसको सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं. मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं ताकि आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बना सको. ठीक है ना. और डर रहे हो तो भाई साहब फिर तैयारी करनी छोड़ दो. ओके. अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है. ये आरबीआई का क्वेश्चन है. ये कैट का है बट कैट में इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं बट इजी क्वेश्चंस भी होते हैं. ठीक है. लेट्स कंपेयर इट विद एसएससी सीजीएल. तो एसएससी सीजीएल के सामने तो गाइज इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते. ये कंपेरिजन ही मैं गलत कर रहा हूं. ये मुझे नहीं करना चाहिए. सीजीएल में तो भाई साहब आप क्वेश्चन को सीधा सीधा देख के आप बता सकते हो कि क्या है और क्या नहीं है आंसर. अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे आपको मुश्किल से एक मिनट लगेगा या दो मिनट लगेंगे मैक्सिमम. ठीक है. इसको सॉल्व करने में बट इस क्वेश्चन को तो पढ़ने में ही आपको एक मिनट लग जाएगा और समझने में. ठीक है. सो अगेन आरबीआई ग्रेड बी इज वेरी मच डिफिकल्ट. स्पेशल अभी मैं सिर्फ क्वांट और रीजनिंग की बात कर रहा हूं. द लेवल ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग इन आरबीआई ग्रेड बी इज टू मच डिफिकल्ट इफ आई कंपेयर इट विद एसएससी सीजीएल. इवन जो एसएससी सीजीएल का मेन्स एग्जामिनेशन होता है वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना आरबीआई का प्री हो जाता. ठीक है. एंड आखिरी में अगर हम इसको बैंकिंग एग्जामिनेशन से कंपेयर करें तो देखो ये आरबीआई ग्रेड बी का क्वेश्चन है. ये रैंकिंग का क्वेश्चन है. ठीक है. रैंकिंग में भी अब देखो इन्होंने इतना लंबा क्वेश्चन दिया फिर उसके बाद दो क्वेश्चन इसमें दो पूछ लिए और फिर अगेन इसमें डेटा सफिशिएंसी घुसा दिया इन्होंने. तो रैंकिंग का क्वेश्चन आप पूछ रहे हो पूछो लेकिन उसमें डेटा सफिशिएंसी घुसा रहे हो तो ऑफकोर्स वो लंबा चला जाता है. लेकिन अगर बैंकिंग में देखोगे स्पेशली अगर प्री की मैं बात करूं बैंकिंग में जैसे आईबीपीएस पीओ होता है एसबीआई पीओ होता है या एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क तो उसमें प्री तो क्वांट का बहुत ही आसान होता है. हाउएवर जो एसबीआई पीओ का मेंस है वो आप कह सकते हो कि हाँ वो आरबीआई ग्रेड बी प्री के थोड़ा बहुत कंपैरिजन में होता है कंपैरेटिव होता है. ठीक है. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जामिनेशन है स्पेशली इन द लेवल ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग इट इज वन ऑफ द टफेस्ट. तो अगर आप वन ऑफ द टफेस्ट चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैनॉट टेक इट लाइटली. अब मैंने कई लोगों को इस ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हुए देखा है कि भाई मैं तो आईआईटी ग्रेजुएट हूं
मैं तो फिजिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट हूं, मैं तो मैथमेटिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट हूं, मेरे लिए क्वांट क्या है, मेरे लिए रीजनिंग क्या है। बट अगेन ऐसा नहीं होता है। भले ही आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर हैं, आप आईआईटी से हैं, आप फिजिक्स में ग्रेजुएट हैं या मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट है, इट डजंट मैटर। ऑल इट मैटर्स कि कितना आप कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चंस का लेवल इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली फिर वही होगा, एग्जाम में दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन करने में भी बैंड बजती है। अभी इस साल ही कई सारे स्टूडेंट्स का ये फीडबैक आया कि यार हम तो एक क्वेश्चन भी क्वांट का सॉल्व नहीं कर पाए। सो यू कैन इमेजिन, वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे बट क्योंकि वो डर गए इन क्वेश्चंस को देख के, आराम से 5-6-7-8 क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं इन 25 मिनट्स। बट द प्रॉब्लम इज नॉट दैट, प्रॉब्लम इज कि वो उन क्वेश्चंस को देख के डर गए और वो पूरा का पूरा 25 मिनट उन्होंने वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो डरना नहीं है, आराम से प्रिपरेशन करो। राइट, द आइडिया इज टू डू इट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा तो क्या करें भाई, करो मत, बस करो, कुछ मत करो, बस करो। अगर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंचोगे जितनी रिक्वायरमेंट है उस एग्जामिनेशन की। बाकी इसको कहां से करना है, कैसे करना है, इसकी डिटेल स्ट्रैटेजी मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। बिकॉज एक वीडियो में मैं जब सब कुछ बता देता हूं तो अनफॉर्चुनेटली आप लोग देखते नहीं हो। मैंने आप लोगों की भलाई के लिए हाउ टू कवर गवर्नमेंट स्कीम में सब कुछ बताया था, बट देन सो मेनी ऑफ यू, हंड्रेड्स ऑफ यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। तो यार वो वीडियो देखो, जाके देखो, मैसेजेस में इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, इजंट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जो लोग अभी भी ये मेरे से पूछ रहे हैं दैट हाउ टू कवर गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लीज वॉच दैट वीडियो। दैट वीडियो इज वॉज मेड फॉर यू ओनली, नॉट फॉर मी। वो मेरे किसी काम की नहीं है, वो आपके लिए है। राइट, तो जाके वो वीडियो देखो। एंड आई होप दिस वीडियो ऑल्सो हेल्प यू अलॉट। एंड स्ट्रैटेजी वगैरह जानने के लिए प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep watching anujindal.in. bye bye, take care and god bless.